Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. बाई टू के अंदर कई सारी घटनाएं हुई, जिसके अंदर एक घटना के अंदर कई सारे युवाओं के साथ मारपीट की गई अकेला, और मॉब लिंचिंग एक तरीके से आप देख सकते हैं कि 100-200 जनों के द्वारा एक दो लोगों पे ऐसी वारदात करना। आप सोचें कि जान माल का खतरा हो सकता था। थार में कभी ऐसा देखा नहीं गया कि ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई। चुनाव खूब हुए, कई सारे बुजुर्ग मुझे कल मिले, उन्होंने कहा चुनाव खूब हुए पर ऐसी घटनाएं हमारे इस थार में कभी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये माहौल खराब करने का, सौहार्द खराब करने का प्रयास एक हुआ। आपकी फोर्स नहीं थी तो ये तमाम चीज़ें हुई, ये तमाम घटनाएं घटी। आपको कहना चाहूँगा कि कल 100 से ज़्यादा बूथों पर फर्जी पोलिंग हुई, बूथ कैप्चर के प्रयास हुए, हर तरीके के वो साजिश और षड्यंत्र हुए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कहीं ना कहीं अभी बौखलाई हुई है, जिनको हार दिख रही है, वो बौखलाए हुए तमाम हर तरीके के साजिश हैं और षड्यंत्र कर रहे हैं, और उनका जवाब कल जनता वोट की चोट के साथ दे चुकी है, और 4 तारीख को पेटियां खुलते उनको पूरे तरीके से जवाब भी मिलेगा। जी, आप धरना दे रहे हैं एसपी ऑफिस के बाहर, आपके समर्थक हैं, क्या आपकी डिमांड है, क्या मांग है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल चुनाव हुआ, चुनाव प्रचार खत्म होने से लेकर अभी तक प्रशासन का कहीं ना कहीं दोहरा रवैया रहा, भेदभाव पूर्वक और पक्षपात के साथ में इन्होंने कार्रवाई की। कई सारी गाड़ियों को बिना किसी रीजन के जब्त किया गया। पोलिंग वाले दिन एजेंट्स के साथ में कई जगह हाथापाई हुई, मारपीट हुई, कई जगह अप्रिय घटनाएं हुई। प्रशासन आँख मूंद के सो रहा था। मैं आपको कहना चाहूँगा कि साहब कतई ये चीज़ें स्वीकार्य नहीं हैं। मैंने जैसे ही चुनाव शुरू होने हो थे उस समय लगभग 420 बूथों की लिस्ट दी थी कि ये सेंसिटिव है, पर उन बूथों पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई, और अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के साथ में इस थार का सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया। मैं उसके विरोध में आज तमाम उन लोगों के विरोध में कार्रवाई करवाने के लिए आया हूं, क्योंकि अभी तक प्रशासन ने किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की है, और मैं चाहता हूं कि जो दोषी है वो गिरफ्तार हो और निर्दोषों को न्याय मिले। मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहब प्रशासन के साथ अभी वार्ताओं का दौर चल रहा है, और जैसे ही कोई निष्कर्ष निकलता जल्दी आप। अभी आपने एक आरोप लगाया कि कल मैंने कई बार फोन किए, कई बूथ पर हमारे साथ सही नहीं होता, बूथ कैप्टन के भी आरोप लगाए, वहाँ पुलिस नहीं पहुंची, क्या? बिल्कुल, कल मैं कंट्रोल रूम में ही था, सुबह से लेकर शाम तक कई जगह ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। मैंने इनको बूथ नंबर लोकेशन के साथ साथ तमाम वो चीज़ें उपलब्ध करवाई, पर उसके बाद में भी कई जगह 3-3 घंटे तक कोई जाब्ता नहीं पहुँच पाया, कई सारी अप्रिय घटनाएं भी। कल जो वोटर्स जो प्रवासी थे वो बाहर से आ रहे थे, उनकी गाड़ियों को रुकवाया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, और मुख्य रूप से जहां पे शांतिपूर्ण तरीके से सब चीज़ें होनी चाहिए थी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को पूरे तरीके से ख़राब किया गया, तो उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाइटू से कल कुछ वीडियो वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर, मारपीट के, गंभीर ढंग से मारपीट। बिल्कुल, वो क्या की घटना है? बाइटू के अंदर कई सारी घटनाएं हुई, जिसके अंदर एक घटना के अंदर कई सारे युवाओं के साथ मारपीट की गई अकेला, और मॉब लिंचिंग एक तरीके से आप देख सकते हैं कि 100-200 जनों के द्वारा एक दो लोगों पर ऐसी वारदात करना। आप सोचें कि जान माल का खतरा हो सकता था। थार में कभी ऐसा देखा नहीं गया कि ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई। चुनाव खूब हुए, कई सारे बुजुर्ग मुझे कल मिले, उन्होंने कहा चुनाव खूब हुए पर ऐसी घटनाएं हमारे इस थार में कभी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये माहौल खराब करने का, सौहार्द खराब करने का प्रयास एक हुआ। आपकी पुलिस अधीक्षक से भी वार्ता हुई, क्या आप संतुष्ट नहीं हुए उनकी कार्रवाई से, तभी आपको बाड़मेर से यहाँ पर आना पड़ा? मैं कहना चाहूँगा कि बालोतरा के अंदर बाइतू विधानसभा आती है, बालोतरा जिले में मेरे 3 जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा। बाइतू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सबसे ज़्यादा संवेदनशील बूथ थे। प्रशासन ने क्या किया, प्रशासन ने ये किया साहब कि बाइतू की जिन बूथों की मैंने लिस्टें दी थी उन्होंने फोर्स यहाँ पे नहीं लगा कि जैसलमेर और सिव में फोर्स लगाई, और वहाँ पे पोलिंग कम करवाने का प्रयास किया। सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे थी और यहाँ पे फोर्स नहीं थी, तो ये तमाम चीज़ें हुई, ये तमाम घटनाएँ घटी। आपको कहना चाहूँगा कि कल 100 से ज़्यादा बूथों पर फर्जी पोलिंग हुई, बूथ कैप्चर के प्रयास हुए, हर तरीके के वो साजिश और षड्यंत्र हुए जो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर नहीं होने चाहिए। जी, अभी क्या स्टैंड है रविंद्र सिंह पाटी, आगे क्या? आपके लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है, जिसके लिए आप डिमांड और प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी 100 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, लगभग 400 से ज़्यादा गाड़ियों को सीज करके रखा गया है, कई सारे FIR हमने दे दी है पर अभी तक दर्ज नहीं की गई है। मैं तमाम उन चीज़ों को लेकर आया हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये काम होंगे।
अगर नहीं होंगे तो ये धरना जारी। पूरे तरीके से चुनाव को प्रभावित किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि हर संभव इन्होंने प्रयास किया कि कैसे भी करके ये चुनाव जो है अलग डायरेक्शन में चला जाए। लोगों ने इस चुनाव को विकास और मुद्दों से हटा के जातिवाद पे ये चुनाव ले आए, क्योंकि उनको पता था कि रविंद्र जीत जाएगा। हार की बौखलाहट कहीं ना कहीं ज़्यादा थी, पर मुझे थार की जनता पे, बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता पे विश्वास है कि उन्होंने इस चुनाव को सौहार्द के साथ में आगे बढ़ाया और उन्होंने विश्वास जताया। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कहीं ना कहीं अभी बौखलाई हुई है, जिनको हार दिख रही है, वो बौखलाए हुए तमाम हर तरीके के साजिशें और षड्यंत्र कर रहे हैं, और उनका जवाब कल जनता वोट की चोट के साथ दे चुकी है, और 4 तारीख को पेटियां खुलते उनको पूरे तरीके से जवाब भी मिलेगा।